तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट विक्ट्री। एंड यार, कल फिर से हमारी प्रिडिक्शन गलत हो गई, फिर से कल सनराइजर्स हैदराबाद हार गई। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम हमारी बेस्ट ट्राई करेंगे सही विनर प्रिडिक्ट करने की। तो आज आईपीएल का फोर्थ मैच है और इसमें आमने सामने होंगी दो टीम्स, जो कि है राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब। और राजस्थान रॉयल्स के एक नए नवेले कप्तान हैं संजू सैमसन, और दूसरी ओर है केएल राहुल। तो यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा कैप्टन जीतेगा, जो अपना फर्स्ट सीजन कैप्टनसी कर रहा है वो, या फिर वो जो अपना सेकंड सीजन कैप्टनसी कर रहा है। तो यहाँ पे देखना बड़ा ही मज़ेदार होगा कि ये मैच जीतता कौन। तो गाइस, पहले हम बात करेंगे टॉस रिपोर्ट के बारे में। यहाँ अगर हम टॉस रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम कैप्टनसी करने वाले कैप्टन संजू सैमसन ने सिक्का उछाला और गिरा भी उनके ही पक्ष में, और उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है इस वानखेड़े की पिच पे। तो गाइस, अब हम बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग करने उतरेंगे केएल राहुल, उनके साथ उतर सकते हैं मयंक अग्रवाल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स राइट नाउ। और तीसरे नंबर पे आज उतरेंगे क्रिस गेल, एट फोर्थ मे बी निकोलस पूरन, एट फाइव दीपक हुडा, एट सिक्स शाहरुख खान, टेन जाय रिचर्डसन, टेन मुर्गन अश्विन, टेन मोहम्मद शमी, राइली मेरेडिट और अर्शदीप सिंह। तो यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है रवि बिश्नोई के लिए, जिन्होंने पिछले साल एक अच्छा सा एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया था। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन के बारे में। तो यहाँ पे दूसरी तरफ ओपनिंग करने उतर सकते हैं बेन स्टोक्स विथ जॉश बटलर, और थर्ड नंबर पे आ सकते हैं संजू सैमसन, एट फोर्थ मनन बोहरा, देन राहुल टेवटिया, देन शिवम दुबे, देन रियान पराग, देन क्रिस मॉरिस, देन श्रेयस गोपाल, देन चेतन साकरिया एंड मुस्तफिजुर रहमान। तो गाइस, अब हम बात करेंगे इस मैच के लिए पिच और वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे इस मैच में अच्छी खासी ह्यूमिडिटी रह सकती है, क्योंकि जो बीच है उसके एकदम नज़दीक में स्टेडियम है, तो यहाँ पे अच्छी खासी ह्यूमिडिटी रहने के चांसेस है। और साथ ही साथ पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच रिपोर्ट यहाँ पे पिच बैट्समैन के लिए बहुत अच्छी रह सकती है। तो गाइस, फाइनली अब हम बात करेंगे इस मैच के विनर के बारे में। अब हम प्रेडिक्ट करेंगे इस मैच का विनर। तो ये मैच वो टीम जीत सकती है जिस टीम के पास अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हो। वैसे तो दोनों टीमों के पास अच्छे खासे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, जैसे पंजाब किंग्स के पास क्रिस गेल और केएल राहुल जैसे बैट्समैन हैं, और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के पास भी अच्छे खासे बैट्समैन हैं जैसे कि बेन स्टोक्स और संजू सैमसन, उनके नए कैप्टन। तो यहाँ पे अब बारी आती है हमारे फेवरेट टीम के बारे में, मतलब हम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उस बारे में, और उसी से हम हमारा प्रिडिक्शन लगाएंगे। वैसे तो मैं इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि संजू सैमसन जो कि नए कैप्टन हैं उनको एक अच्छी शुरुआत मिले। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ राजस्थान रॉयल्स को। तो कम ऑन राजस्थान रॉयल्स, हल्ला बोल।